सो आज का टॉपिक है लैम्डा। एंड लैम्डा जो है ये फंक्शन का ही भाई है। सबसे पहले तो हम नाम लिख देते हैं लैम्डा, ये फंक्शन का ही भाई है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि फंक्शन क्या वर्क करता है। फंक्शन दैट मीन्स कि प्री डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट, विथ रिटर्न वैल्यू एंड सो ऑन। तो वहाँ पर हमें फंक्शन को यूज करने के लिए एक कीवर्ड मिलता था, DEF, जिसकी थ्रू हम फंक्शन क्रिएट करते थे। लेकिन लैम्डा फंक्शन थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से डिफरेंट है। तो हम थोड़ा सा लैम्डा फंक्शन को भी समझते चलें कि एक्चुअल में लैम्डा फंक्शन क्या कर रहा है। तो अबाउट लैम्डा फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि लैम्डा फंक्शन जो है इसको हम क्या कहते हैं, एनोनिमस फंक्शन भी कहा जाता है। लैम्डा फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज एनोनिमस फंक्शन। ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें DEF कीवर्ड मिलता है, बट लैम्डा फंक्शन को डिफाइन करने के लिए केवल लैम्डा कीवर्ड मिलता है। हम स्पेशली इसको कोई नाम नहीं देते हैं। जैसे हम वेरिएबल्स को नाम देते हैं, फंक्शन को नाम देते हैं, आगे चल के हम क्लास को भी नाम देंगे, लेकिन लैम्डा केवल एक कीवर्ड है जो कि लैम्डा फंक्शन को डिफाइन करता है। दूसरी खास चीज कि ये सिंगल लाइन फंक्शन है। और इसी के साथ एक सबसे खास चीज लैम्डा फंक्शन के अंदर, प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दैट मीन्स कि हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स या फिर हम मल्टीपल लिस्ट या लिस्ट डिक्शनरी सेट टपल वट एवर जो हमें चाहिए डेटा टाइप, हम सब कुछ पास कर सकते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट फंक्शन के अंदर। तो इसके साथ में हम वहाँ पे क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो कुछ भी हम लिखना चाहें, जो भी कंडीशंस हो गई या लूप हो गया, वट एवर हम चाहते हैं फंक्शन बॉडी के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन लैम्डा के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल फंक्शन से कि इसमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, बट एक्सप्रेशन हमेशा सिंगल होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि ये लिखने के साथ में हम इसके सिंटैक्स को भी लिख लेते हैं। तो यहीं पे हम लिखते हैं सिंटैक्स, लैम्डा का सिंटैक्स। तो लैम्डा के अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो लैम्डा का सिंटैक्स जो है वो कुछ हमें मिलता है इस तरीके से कि लैम्डा कीवर्ड एंड लैम्डा कीवर्ड के साथ में यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड देन कॉलन और इसके बाद में हमारा एक्सप्रेशन। तो ये तो है सिंटेक्स। यहीं पर हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर पास कर सकते हैं यूजिंग कॉमा, बट एक्सप्रेशन हमेशा सिंगल होगा। और एक्सप्रेशन मतलब कि जो हमने कंडीशन के अंदर यूज किया, व्हाइल लूप के अंदर यूज किया, वहाँ पे हमने क्या दिए थे, कंडीशन दिया था कि ए अगर ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, सो क्या होगा क्या नहीं होगा, वैसे ही हम यहाँ पर भी एक्सप्रेशन देंगे। तो तीसरी चीज़ तो ये है कि ठीक है, इसमें हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, बट हमेशा हम एक्सप्रेशन केवल एक लिख सकते हैं। और इसी के साथ में लैम्डा फंक्शन जो है वो नॉर्मल फंक्शन से डिफरेंट हो जाता है कि यहाँ पर हम यही काम करेंगे। अब सवाल ये भी उठता है कि ठीक है, हम लैम्डा फंक्शन जो यूज कर रहे हैं क्यों करें। तो लैम्डा फंक्शन एक्चुअल में जो यूज किया जाता है ये वैसे नॉर्मल काम के लिए यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल काम के लिए हमारे पास नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन जब भी बात आती है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज करना है, तब हम लैम्डा का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो हम कुछ, हमें प्रीडिफाइन फंक्शन मिलते हैं जिसके हम अभी बात करेंगे, जैसे कि फिल्टर या
मैप फंक्शन के साथ इसका यूज ज़्यादा होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि लैम्डा फंक्शन को हम नॉर्मल केस में यूज नहीं करते हैं। ये कुछ ऐसा है कि हमको अगर सिंगल लाइन वर्क कराना है तो हम लैम्डा फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये तो थियोरेटिकल पार्ट था कि हमने समझा कि लैम्डा क्या है, क्या नहीं कर रहा है, सिंटेक्स क्या है और इसकी कैपेसिटी और वर्क बिहेवियर क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा हम एक छोटा सा लैम्डा फंक्शन बना के देखते हैं कि लैम्डा एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है। तो नॉर्मल लैम्डा फंक्शन, ठीक है, तो हम एक छोटा सा नॉर्मल सा एक लैम्डा फंक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले खास चीज़ क्या है कि हम जब कभी भी नॉर्मल फंक्शंस बनाते हैं तो वहाँ पर हम फंक्शन प्रॉपर बनाते हैं, लेकिन लैम्डा के अंदर एक चीज़ और होती है कि ये किसी फंक्शन के लिए एज अ आर्ग्यूमेंट होता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये किसी भी फंक्शन के लिए एज अ आर्ग्यूमेंट होता है, मतलब कि आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल, मतलब कि हम यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लें लैम वैल्यू, ठीक है, ये हमारे वेरिएबल का नाम हुआ। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा कीवर्ड का नाम हो गया और यहाँ पे सिंपली एक वैल्यू देते हैं ए, और ए इक्वल टू ए प्लस टू कर देते हैं, ठीक है, या हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं जो करना है। मतलब कि लेफ्ट साइड में हमने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट दिया ए और राइट साइड में हमने दिया एक एक्सप्रेशन। तो एक चीज़ मैंने गलत क्या लिखी, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पर होगा कॉलन, अभी हमने सिंटेक्स में देखा था, ठीक है। तो ये काम तो हो गया, लेफ्ट में आर्ग्यूमेंट्स हो गए और राइट में एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, परफेक्ट। लेकिन जैसा कि नॉर्मल फंक्शन के अंदर हम जब कोई भी आर्ग्यूमेंट डिफाइन करते हैं तो उसको एक्चुअल में हमें फंक्शन कॉल के टाइम पे वैल्यू देनी पड़ती है, वैसे ही हमें यहाँ पर देना पड़ेगा क्योंकि ए को अभी वैल्यू मिली नहीं है, याद रखना ए को वैल्यू अभी चाहिए है। और एक्चुअल में लैम्डा फंक्शन जो है वो किस में स्टोर होकर पड़ा है, लैम वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है, फाइनली प्रिंट द लैम वैल्यू, बट रिमेंबर आवर लैम्डा फंक्शन इज स्टोर्ड इन लैम वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि लैम वैल्यू जो है इसके अंदर हमारा लैम्डा फंक्शन पड़ा हुआ है, मतलब कि हम जैसे नॉर्मल केस में एक फंक्शन को कॉल करते थे और कॉल के टाइम पे हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास करते थे, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो करेंगे क्या, प्रिंट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, न्यू लाइन ले लेते हैं सो दैट कि आउटपुट सही दिखे, आर लैम वैल्यू, और यहाँ पर नॉर्मल वेरिएबल की तरह से हमने लैम वैल्यू लिखा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर हम एक वैल्यू जो कि ए है वो पास करेंगे। तो मान लो हमने 10 लिखा, तो होगा क्या, ये 10 सीधा जाएगा कहाँ पे, लैम वैल्यू के पास में, और लैम वैल्यू क्या करेगा, इसको पास ऑन कर देगा ए को, और ए क्या करेगा, अपने एक्सप्रेशन के पास जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10। फाइनली हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 10 इंटू 2 इक्वल टू 20। क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, हम रन करके चेक करते हैं कि फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला। तो हम अपने टर्मिनल को थोड़ा सा छोटा करते हैं एंड हम अपने कोड पे आते हैं। फाइनली हमको रिजल्ट मिल गया 20, दैट मीन्स कि लैम्डा फंक्शन परफेक्टली वर्क किया। और इसका वर्क बिहेवियर क्या है कि नॉर्मली हम जैसे एक फंक्शन को कॉल करते थे वैसे ही यहाँ पर क्या करते हैं, लैम्डा फंक्शन को उठा के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं, और जब हमको लैम्डा फंक्शन के आर्ग्यूमेंट को वैल्यूज पास ऑन करनी होती है तो हम उसको एक्चुअल में इस तरीके से पास ऑन करते हैं, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि हम लैम्डा को मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास ऑन कर सकते हैं, तो क्या वाकई में कर सकते हैं, तो इसको हम चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर था ए, ऐसे ही हम यहाँ पर बी भी देते हैं एंड सी भी देते हैं। अब हमारे पास टोटल क्या हुआ,
तीन वेरिएबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइनली ए इंटू बी इंटू सी करते हैं, ठीक है। तीन वैल्यूज चाहिए हैं, दैट मीन्स कि हम क्या करते हैं, 10 इंटू 10 ये हो गया 100 एंड इंटू ओहो ये क्या कर रहा हूँ, 10 कॉमा 10 एंड कॉमा 2, दैट मीन्स कि ए को मिलेगा 10, बी को मिलेगा 10 एंड सी को मिलेगा 2। फाइनली अगर हम इसको प्रिंट करें तो हमें आंसर मिल गया 200, मतलब कि 10 इंटू 10 100 एंड 100 इंटू 2 200। फाइनली हमने ये देख लिया कि हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं बहुत आसानी से, बट एक्सप्रेशन हमेशा एक होगा। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में सिंटेक्स ही नहीं है कि हम यहाँ पे एक्सप्रेशन दो दो लिख सकें, तो इसीलिए यहाँ पर हम केवल एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ये तो हुई एक चीज़ कि ठीक है हमने लैम्डा फंक्शन डिफाइन किया, लेकिन अगर यही काम हम अपने नॉर्मल फंक्शन में करते तो क्या करते। अगर हम बात करें कि जो हमने अभी ऊपर काम किया उसी को नॉर्मल फंक्शन से करें जो कि हमने प्रीवियसली किया था, तो एक बार रिकॉल होगा कि हमने नॉर्मल फंक्शन में क्या किया था। नॉर्मल फंक्शन टू डन द सेम, और ये करने से पता क्या चल जाएगा हमको कि जो काम लैम्डा ने एक लाइन में किया वही काम अगर हमें नॉर्मल फंक्शन में करना हो तो क्या करना पड़ेगा। डी ई एफ माई फन एंड माई फन के अंदर ए बी एंड सी तीन वेरिएबल हमको चाहिए थे, तीन वेरिएबल हमने यहाँ पर एज ए आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर दिए हैं, एंड हम फंक्शन के अंदर आते हैं, एंड फाइनली अगर हमें यहाँ पर प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एंड प्रिंट, या फिर हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि पहले हम आंसर इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, एंड फाइनली यहाँ पर हम माई फन आंसर और ये हमने लिख दिया आंसर। इतना होने के बाद में हमको यहाँ पे फंक्शन को कॉल भी करना है, तो हम यहाँ पे माई फन को कॉल भी करते हैं, एक स्पेस दे देते हैं। तो सोचो जो काम हमने लैम्डा से एक लाइन में किया वही काम नॉर्मल फंक्शन से हमें चार लाइन में करना पड़ रहा है। दैट मीन्स कि अगर छोटा छोटा काम हो तो उसको हम नॉर्मली कहाँ पर कर सकते हैं, अपने लैम्डा फंक्शन में बहुत आसानी से यूज करके कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम पाइथन के अंदर आ गए हैं, एग्जिट एंटर एंड वापस आ गए हम, ठीक है। फाइनली हम रन करते हैं कोड को और देखते हैं हमको आंसर क्या मिला। ओके, एरर मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट तो पास किया ही नहीं, 10, 10, 10। इस समय हमको आंसर क्या मिलना चाहिए, 10 इंटू 10 100 100 इंटू 10,000, ठीक है, परफेक्ट। तो ये क्या काम हुआ, हमने सिंपली छोटा सा वर्क करके देख लिया लैम्डा का नॉर्मली, और एक नॉर्मल फंक्शन जो कि कुछ वैसा ही काम करता है जैसा लैम्डा ने किया। तो ये तो काम क्या था कि कैसे लैम्डा काम कर रहा है और वही सेम काम कैसे एक नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, बट एक्चुअल में हम इस तरीके से लैम्डा का यूज नहीं करते हैं। लैम्डा का यूज हम करते हैं जब हमें फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज करना हो, सो दैट कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इन नॉर्मल फंक्शन यूज लैम्डा फंक्शन, ठीक है। हम ऐसा भी कुछ करके देखते हैं, तो हम एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं डी ई एफ और फंक्शन का नाम देते हैं यूज़र, ठीक है। यूज़र के अंदर हम केवल एक नंबर रिसीव करते हैं, नम, परफेक्ट। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्चुअल में एक लैम्डा क्रिएट करते हैं, सो आंसर इक्वल टू हम यहाँ पर करते हैं लैम्डा, एंड लैम्डा के अंदर हमारे पास आर्ग्यूमेंट एक और आ जाए ए, और इसके बाद में हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन देते हैं कि ए प्लस नम। तो सो हमने क्या किया, आंसर के अंदर एक लैम्डा फंक्शन बनाया है। हम कर क्या रहे हैं कि नॉर्मली हम फंक्शन को कॉल करेंगे, उसको एक आर्ग्यूमेंट देंगे और उसके अंदर से हम जो आंसर है
दैट मीन्स कि जिसने लैम्डा को होल्ड कर रखा है उसको फिर हम एक और आर्ग्यूमेंट देंगे। तो अभी के लिए अगर यहाँ पर हम बात करें, रिमेंबर इन दिस केस एट फर्स्ट वी विल कॉल यूजर फंक्शन। ठीक है, तो हम यूजर फंक्शन को कॉल करते हैं यूजर, और यूजर को हमें क्या देना था, नम देना था। ठीक है, तो हमने नंबर दिया 10। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ये जो नंबर है इसको जैसे ही हमने कॉल किया ये 10 ले गया, और 10 ले जाके किसको दिया इसने, जो ये फंक्शन था इसके नम को, और तुरंत इसके बाद में फंक्शन अपनी बॉडी के अंदर आया, और जैसे ही वो बॉडी के अंदर आया तुरंत उसने देखा कि यहाँ पर एक आंसर है जिसने कि लैम्डा को होल्ड करके रखा है, और लैम्डा को क्या चाहिए, एक आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो अब ये रिक्वेस्ट वो किससे करेगा, इस यूजर से करेगा। दैट मीन्स कि हमको क्या करना पड़ेगा, इस यूजर को, जो हमारा ये यूजर है, इस यूजर को एक्चुअल में हमें स्टोर करना पड़ेगा एक दूसरे फंक्शन के अंदर। या तो हम ऐसा काम कर लें, या फिर जो हम यहाँ पर आंसर करा रहे हैं हम यहाँ पर भी वो काम कर सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा आसान वाला काम करते हैं। हमने फंक्शन को कॉल किया, 10 नंबर दिया, उसको यूज़र ने रिसीव किया। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे आके सबसे पहले हम यहीं पे प्रिंट कराते हैं। दैट मीन्स कि ये कैसा केस होने वाला है, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आंसर, और आंसर क्या होने वाला है, आंसर, और आंसर में एक्चुअल में हमको क्या पास करना है, ए आर्ग्यूमेंट की वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर पास कर देते हैं 50। तो अब होगा क्या, एक्चुअल में सबसे पहले 10 मिला किसको, नम को, वो 10 आया यहाँ पे, और वो 10 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, और फिर इसके बाद में ये आंसर कॉल होगा और ये 50 ले जाएगा, लैम्डा को देगा यहाँ पे, फिर फाइनली लैम्डा जो है वो अपना एडिशन परफॉर्म कराएगा 10 + 50 का। फाइनली अगर हम इसके रिजल्ट को चेक करें कि ये हमें दे क्या रहा है, जिससे कि हमें ये क्लियर होगा कि हमारा काम कंप्लीट हुआ कि नहीं, तो फाइनली आंसर में हमें क्या मिला, 60। दैट मीन्स कि हम एक नॉर्मल फंक्शन के अंदर लैम्डा फंक्शन को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी चीज़ को अगर हमें रिटर्न कराना हो, दैट मीन्स कि फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, उस केस में क्या होगा, हम इसको ले चलते हैं यहाँ से बाहर, और यहाँ पर जो ये लैम्डा था, इस लैम्डा को एक्चुअल में हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे। इसको हमने अगर रिटर्न करा दिया, दैट मीन्स कि ये अब किसको जाकर मिलने वाला है, हमारे इस फंक्शन को। ठीक है, तो इस फंक्शन को हमने क्या किया, स्टोर कर लिया आंसर के अंदर। ठीक है, इसके बाद में अब प्रिंट हमें कराना है आंसर को, तो हमने यहाँ पर कर दिया प्रिंट, सेम टू सेम, फिर रन करके देखते हैं, और कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 500 अब, और देखते हैं कि हमें आंसर क्या मिलता है। फाइनली क्या हुआ, 510 हमको आंसर मिल गया। तो ये थोड़ा थोड़ा कान इधर से घुमा के उधर पकड़ाने वाली बात होती है, अगर हमें समझ में आ जाए कि फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न, फंक्शन का आर्ग्यूमेंट और फंक्शन का रिटर्न किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो हम किसी भी चीज़ के साथ बहुत आसानी से खेल सकते हैं। तो ये क्या था, ये तो सिंपली हमने देखा कि एक नॉर्मल फंक्शन के अंदर हम लैम्डा फंक्शन को कैसे यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी जस्ट स्टार्टिंग में जब हम डिस्कस कर रहे थे लैम्डा के बारे में, तो हमने बात किया था कि लैम्डा फंक्शन का सबसे अच्छा यूज होता है फिल्टर के साथ में और मैप के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, समझते हैं फिल्टर को, लैम्डा यूजिंग फिल्टर। और फिल्टर का यूज क्यों किया जाता है, फिल्टर की यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए, और फिल्ट्रेशन हमेशा होगा किसके साथ, लिस्ट के साथ, क्योंकि लिस्ट क्या है, जो कि इंडेक्स में वैल्यूज को स्टोर करके रखता है। फॉर फिल्टरिंग यूज लिस्ट एंड फिल्टर मेथड। लेकिन सवाल ये है कि हम यहाँ पर लैम्डा और इस फिल्टर फंक्शन का यूज कैसे करेंगे। तो मान लो कि हम एक लिस्ट लेते हैं, और वो लिस्ट क्या है, रैंडम नंबर से, उसके अंदर से हमको केवल और केवल इवन नंबर को फाइंड आउट करना है।
टू फाइंड आउट इवन नंबर्स फ्रॉम लिस्ट यूजिंग फिल्टर एंड लैम्डा. परफेक्ट. तो हम सबसे पहले क्या करें, एक लिस्ट बनाते हैं, माई लिस्ट इक्वल टू, और इसके अंदर हम कुछ नंबर्स ऐड कर देते हैं. ठीक है, ये नंबर्स हैं और इसके अंदर से हमें क्या करना है, केवल और केवल रैंडम नंबर, सॉरी, केवल और केवल इवन नंबर फाइंड आउट करना है. तो इवन नंबर फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमेशा हमें मॉड्यूलस यूज करना ही पड़ता है, बिना मॉड्यूलस के हम नहीं कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, एक नया क्या ले लेंगे, वेरिएबल. क्यों? क्योंकि अब हमें क्या करना है, जो लिस्ट है इसकी वैल्यू हमें एक नए लिस्ट में चाहिए जिसके अंदर केवल और केवल इवन नंबर्स हो. इवन नम लिस्ट और इक्वल टू. सबसे पहली चीज, यहाँ पर हम फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज करने वाले हैं, तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है कि डेटा टाइप कन्वर्जन में कि हमको लिस्ट के लिए लिस्ट मेथड मिलता है, टपल के लिए टपल मेथड, डिक्शनरी के डिक्शनरी, वैसे ही हमारा काम अभी जो है वो लिस्ट का है. तो इसके लिए हम यूज करेंगे लिस्ट मेथड का, और लिस्ट मेथड के अंदर हम यूज करने वाले हैं फिल्टर का. तो ये फिल्टर क्या करेगा, हमको वैल्यूज फिल्टर करने में मदद करेगा. दैट मीन्स कि इसके लिए हमें मैन्युअली फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिल्टर में हमें क्या फिल्टर करना है वो कॉन्सेप्ट हमें बताना पड़ेगा. और फिल्टर के अंदर या तो हम फाइनली वैल्यूज ला के रख लें, कंडीशन यहाँ पे हम चला नहीं सकते, लेकिन हमारे पास वो सिंगल लाइन लैम्डा मिलता है जो कि यहाँ पे एकदम परफेक्ट फिट बैठेगा. तो हम क्या करेंगे, लैम्डा हमारा कीवर्ड, एंड देन मान लो कि हम एक वैल्यू लेते हैं जिससे कि हम आर्ग्यूमेंट लेते हैं एक्स, और इसके साथ में हमने यहाँ पर या तो यहाँ पर हम लेते हैं नंबर, एंड नंबर के बाद में यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन बनाना है जो भी लैम्डा को एक नंबर मिलेगा. तो हमारी कोशिश क्या है कि लिस्ट अगर याद हो तो हमने फॉर लूप जब पढ़ा था तो वो इटरेशन करता है. इटरेशन में क्या करता है कि वन बाय वन वैल्यूज को लाकर वो देता रहता है. मतलब कि अगर हम यहाँ पर एक फॉर लूप लिखें कुछ फॉर इनिशियलाइजेशन, एंड देन इन ऑपरेटर का यूज किया हमने, और इन ऑपरेटर का यूज करके माई लिस्ट यहाँ पर हमने लिख दिया. तो ये एक्चुअल में क्या करता है कि माई लिस्ट में से इंडेक्स पोजिशन से एक एक वैल्यू नम को लाकर देता रहता है. वैसे ही कुछ काम यहाँ पे फिल्टर करेगा. फिल्टर के अंदर हम दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे. तो अभी हम लैम्डा का एक्सप्रेशन लिख लें कि लैम्डा के पास एक नंबर आएगा और उस नंबर के बिहाफ पे वो क्या करेगा, एक्सप्रेशन चलाएगा. और एक्सप्रेशन क्या होगा, नंबर मॉड्यूलस अगर टू इक्वल टू क्या होता है, जीरो. दैट मीन्स कि ये एक इवन नंबर है. ठीक है, दूसरी साइड क्या होगा, वो जो नंबर मिलने वाला है वो नंबर कहाँ से मिलेगा, हमारी माई लिस्ट में से मिलेगा. तो अब फाइनली होगा क्या, माई लिस्ट में से जीरो इंडेक्स की पोजीशन गई नंबर को मिली. नंबर को मिली का मतलब कहाँ, यहाँ पर आया, उसने वन यहाँ पर दिया, इसने चेक किया कि क्या ये वन मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, उसको इसके अंदर स्टोर नहीं करेगा. ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें फाइनली क्या करना पड़ेगा, इसको प्रिंट करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट, और प्रिंट में हम क्या करते हैं, आर इवन लिस्ट, एंड देन हमारा इवन नम लिस्ट वेरिएबल, और इसको हमने फाइनली रन कर दिया. कितनी आसानी से हमको इवन नंबर्स मिल गए. अगर यही चीज़ हमें किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना हो तो हमें चार पांच लाइन का कोड लिखना पड़ेगा और तब जाकर हमें ये चीज़ मिलेगी. हमने बहुत आसानी से इवन नंबर्स फाइंड आउट कर लिए. वैसे ही अगर हमें इवन नंबर नहीं फाइंड आउट करने हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू अगर जीरो हो तो के केस में क्या होगा. तो हम फिर इसको रन कर लेते हैं. हमको क्या मिल गए, सिंपली इवन की जगह पे ऑड मिल गए.
किससे? केवल हमने वो कंपैरिजन ऑपरेटर को चेंज कर दिया नॉट ऑपरेटर के साथ में कंपैरिजन ऑपरेटर में। तो ये किसका काम हुआ? ये सिंपली काम हुआ फाइंड का, कि हमने कैसे बड़ी आसानी से, सॉरी फिल्टर का, कैसे हमने फिल्टर का यूज करके बहुत आसानी से इवन नंबर या ऑड नंबर एक लिस्ट में से फाइंड आउट कर लिए। इसी तरीके से एक हमें मिलता है मैप। मैप क्या करता है? मैप फंक्शन यूजिंग टू, हमें क्या करना है कि हमने अभी जो ऊपर माई लिस्ट ली है इसी लिस्ट का यूज करेंगे और जितने भी नंबर हैं हम इन सारे के सारे नंबरों को क्या करेंगे, डबल कर देंगे। मतलब वन है तो उसका टू हो जाए, टू है तो फोर हो जाए, थ्री है तो सिक्स हो जाए। ऐसा करने के लिए हमें एक्चुअल में मैप मेथड का यूज करना पड़ता है। मतलब कि हम मैप के मदद से क्या करते हैं कि सेम टू सेम उसी लिस्ट में मैपिंग कर देते हैं। ठीक है, सो मैप फंक्शन यूजिंग टू गेट डबल ऑल लिस्ट वैल्यूज। ठीक है, तो हमारे पास लिस्ट पहले से बनी पड़ी है माई लिस्ट, हम उसी का यूज करेंगे। सीधे हम क्या करते हैं, हम डबल माई लिस्ट वैल्यूज, एक हमने क्या बना लिया, वेरिएबल बना लिया। हमेशा अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे चल रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स के नाम भले थोड़े लंबे हो जाएं या फंक्शंस के नाम भले थोड़े लंबे हो जाएं, लेकिन वो हमेशा सेंसफुल बनने चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से हम अपने लिस्ट मेथड का ही यूज करेंगे और इसके अंदर अब हम यूज करेंगे मैप मेथड का। और मैप के अंदर हम क्या करेंगे, लैम्डा फंक्शन का यूज करेंगे। और इस केस में हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया था, एक्सप्रेशन लिखा था कि कैसे अगर इवन करना है तो हम मॉड्यूलस टू करके नॉट इक्वल टू कर दे, इक्वल टू कर रहे हैं, ऑड लेना है तो नॉट इक्वल टू। वैसे ही लैम्डा के अंदर फिर से हम लेंगे तो वही नंबर, लेकिन इस बार जो होगा वो क्या होगा कि हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि डबल करने का मतलब क्या है, सिंपली डबल करने का मतलब है कि हम मल्टीप्लाई ही करेंगे, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टू से, क्योंकि टू से ही मल्टीप्लाई करने पे ये डबल होगा। पहला आर्ग्यूमेंट हो गया हमारा लैम्डा फंक्शन एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट हो गया हमारा माई लिस्ट, जो कि क्या करेगा, वन बाय वन वैल्यूज को ट्रांसफर करता रहेगा हमारे लैम्डा के नंबर को। ठीक है, अगर ये काम होता है दैट मीन्स कि हम इसको भी प्रिंट करते हैं, एंड प्रिंट करने के साथ में मैसेज दिया डबल वैल्यूज लिस्ट, एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं डबल माय लिस्ट वैल्यूज को। फाइनली हम अपने कोड को रन करते हैं। सो हम रन करने के साथ में यहाँ पर हमको मिल गया है एरर, और ये एरर क्यों मिला, टाइप एरर मिला है, और टाइप एरर में हमें एरर मिल रहा है कि मैप मस्ट हैव एट लीस्ट टू। एक्चुअली ये एरर जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है क्योंकि हमने जो मैप मेथड का यूज किया है वहाँ पे गलती की है। मैप मेथड का ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है यहाँ से और वो ब्रैकेट है यहाँ तक, और जो हमको ये आर्ग्यूमेंट पास करना था, मीन्स कि हमको जो लिस्ट पास करनी है ये पास करनी है इसके अंदर, इसलिए हमको क्या मिल रहा था, एरर मिल रहा था, टाइप एरर है कि मैप मस्ट हैव एट लीस्ट टू आर्ग्यूमेंट, और मैप को हमने क्या किया, केवल एक आर्ग्यूमेंट दिया था, उसको चाहिए थे दो आर्ग्यूमेंट। सो फाइनली एक बार हम फिर से इसको रन करते हैं, हमको क्या मिल गया, लिस्ट मिली और हमारा काम हो गया। हमारा क्या था टारगेट, कि हम जितने भी लिस्ट की वैल्यूज हैं उन सबको डबल करना है। तो अब अगर हम नोटिस करें, वन का टू, टू का फोर, थ्री का सिक्स, फोर का एट, 56 का 112, etc हो चुका है बड़ी ही आसानी से। और कभी भी अगर हमें प्रॉब्लम आती है वेरिएबल रिलेटेड, तो VS कोड के अंदर सबसे अच्छी चीज़ है कि जैसे ये हमारा डबल माई लिस्ट वैल्यू है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे इससे रिलेटेड जो भी वेरिएबल हमारी फाइल में कहीं भी पड़ा होगा उस पर क्या होगा, इसी तरीके से हाईलाइट हो जाएगा, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हमने कहीं गलती तो नहीं की है। क्योंकि मान लो मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, ये लिखने से क्या होगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा
ये इसको मिलेगा नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये तुरंत यहाँ पर नीचे येलो कलर का अंडरलाइन कर दिया, दैट मीन्स कि ये तुरंत कह दिया है कि डबल माई लिस्ट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके का भी हमें एडिटर जो है सजेशन दे देता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ये सारा काम क्या है, लाइब्रेरी के बिहाव पर ही हो रहा है, तो ये कभी कभी उसको लोड करने में या रिफ्रेश करने में टाइम लेता है। जैसे अभी के केस में मैंने इसको चेंज किया, ये सही हो चुका है, लेकिन अब जाकर फाइनली इसके नीचे से वो अंडरलाइन हटी। तो बहुत सारी लाइब्रेरीज डाउनलोड करने की वजह से कभी कभी वीएस कोड जो है वो थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करता है, बट रिस्पॉन्स कर देता है। तो ठीक है, फाइनली हमने दो नई चीज़ें इसमें देखी। अब इसके साथ में यहाँ पर कुछ वर्क आता है हमारे पास कि हम जिनको एज अ प्रोग्राम यहाँ पर करेंगे। तो प्रोग्राम में हम क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन सेट की लिस्ट जो है वो गिटहब पे पड़ी हुई है, अलग से एक रिपोजिटरी बना रखा हूँ, बट इसके अलावा कुछ अलग से ये प्रोग्राम कि लैम्डा फंक्शन का यूज करके हम और क्या कर सकते हैं। यूजिंग लैम्डा फंक्शन, एक्चुअली यूजिंग लैम्डा फंक्शन, यूजिंग लैम्डा फंक्शन गेट अ get a result of addition, subtraction and multiplication, but remember in these three cases you must take two arguments by user input and receive them on normal function, and in the normal function you will pass the second argument and get the रिजल्ट। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया है इसमें, एक्चुअल में लिखना मुझे ये था कि दो आर्ग्यूमेंट जो पास कर रहे हो उस आर्ग्यूमेंट्स को एक्चुअल में यू मस्ट टेक टू आर्ग्यूमेंट बाय यूजर इनपुट एंड रिसीव देम एंड नॉर्मल फंक्शन एंड रिसीव फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑन नॉर्मल फंक्शन एंड in the normal function you will pass the and in normal function you will have lambda which is receive second argument and lambda function finally perform the mathematical expression। ठीक है, दैट मीन्स कि दो आर्ग्यूमेंट जो रिसीव करने हैं, पहला आर्ग्यूमेंट नॉर्मल फंक्शन रिसीव करेगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट लैम्डा फंक्शन रिसीव करेगा नॉर्मल फंक्शन के अंदर, एंड देन लैम्डा फंक्शन फाइनल एक्सप्रेशन जनरेट करके आउटपुट देगा। इसके अलावा क्रिएट अ फंक्शन इन विच यू विल रिसीव list of multiple numbers and find the even number set and odd number set using filter, then show the both results using output function. In this case you must
पास द आउटपुट यूजिंग रिटर्न एंड रिसीव इट इन आउटपुट फंक्शन देन शो द रिजल्ट एंड देन यूज द आउटपुट ऑफ इवन एंड ऑड टू यूज इन एंड अदर फंक्शन एंड परफॉर्म एंड सब्ट्रैक्ट द एंड सब्ट्रैक्ट इवन लिस्ट विथ ऑड लिस्ट। सो दो प्रोग्राम बनाने हैं, दूसरे वाले में फाइनली जो एक आउटपुट निकल के आएगा, पहले तो क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन के अंदर लिस्ट रिसीव करोगे, जिस लिस्ट को लैम्डा फंक्शन की मदद से फिल्टर करके एक उस लिस्ट में से इवन का सेट अलग बनाओगे और ऑड नंबर का सेट अलग बना लिए। और जब इन दोनों का सेट अलग बना लिए तो इन दोनों को रिटर्न कराओगे, रिटर्न करा के एक और फंक्शन बनाओगे आउटपुट नाम से, जिसके अंदर इस रिजल्ट को रिसीव करोगे इवन और ऑड को, और उसको आउटपुट फंक्शन के अंदर से तुम्हें प्रिंट का यूज करके आउटपुट शो कराना है। इसके अलावा फिर उसी आउटपुट को एक चौथे फंक्शन के अंदर तुम्हें रिसीव करना है, और फिर क्या करना है, इवन लिस्ट और ऑड लिस्ट के बीच में सब्ट्रैक्शन कराना है और आउटपुट शो कराना है। ठीक है, सो ये इतना वर्क है जो करना है। इसके अलावा कल हम पढ़ेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम मूव ऑन हो चुके हैं अपने एडवांस टॉपिक्स की तरफ। तो कल का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन इनहेरिटेंस। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट।